दुनिया में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो किसी खास मकसद के लिए पैदा होते हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने कुछ खास टैलेंट दिया होता है। उनका बशर ही ऐसा होता है कि वो कुछ अलग ही करना चाहते हैं। हम यहाँ सोचते हैं तो वो वहाँ पे सोचते हैं। ऐसा ही एक कश्मीरी है जिसके बारे में मुझे पता है, जो मेरा एक्चुअली दोस्त है, जिसका नाम रिजा है। एंड यू नो ही इज़ आउट देयर टू अचीव समथिंग फिनोमिनल, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। This video is basically a shout out video to Kashmiris here and abroad and to everyone out there to support this young guy who is all set to conquer the Everest. ये है माउंट एवरेस्ट। नाम तो सुना ही होगा। पहाड़ तो सभी चढ़ते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सबकी बस की बात नहीं। ये कहानी इस बंदे की नहीं है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ना ये इन लोगों की कहानी है जो अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को दुनिया में सबसे मुश्किल चढ़ाई माना जाता है। इसकी वजह है इसका मौसम और वहां की अनसर्टेनिटी। ये कहानी है कश्मीरी लड़के की, 18 साल का रिजा, जो अभी पहाड़ों में फोटो खींच रहा है। थक के बेचारा सो रहा है। ये इसकी कहानी है, जिसकी कहानी पूरी दुनिया सुनेगी। 6,000 meters and still I need to go high. One mistake and life is gone. Thanks to Almighty Allah. So this is Rizza. Hi. चलिए हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन पटन विलेज विच लाइक अराउंड 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। तो बचपन से ही मुझे शौक था ये पहाड़ वहाड़ चढ़ने का, क्योंकि वहाँ भी आसपास थोड़े छोटे मोटे पहाड़ थे। सो आई यूज टू गो फॉर स्मॉलर हाइक्स विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। देन इन 2011 वी मूव टू श्रीनगर। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट प्रोफेशनली। आई यूज टू गो विद ग्रुप्स फॉर द बिगर हाइक्स। ऑलमोस्ट एवरी संडे आई यूज टू गो फॉर हाइक। व्हेन आई स्टार्टेड अबाउट थिंकिंग ऑफ डूइंग इट प्रोफेशनली, तो मैंने थोड़ा सा वेब पे सर्च किया वगैरह कि क्या करना है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि देयर शुड बी सम पर्सन शुड बी सर्टिफाइड माउंटेनियर, ही हैज़ टू डू सम सर्टेन कोर्सेज एंड ऑल दैट। सो आई वेंट टू अभिमास मनाली, आई डिड माई कोर्सेज देयर। देन आई वेंट टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग टू माउंट आबू राजस्थान, वहाँ से भी मैंने कुछ कोर्सेज किए। एंड आई हैव सबमिटेड फ्यू पीक्स। आई डिड द माउंट महादेव इन श्रीनगर लाइक कपल ऑफ टाइम्स। एंड आई हैव बीन आई हैव सबमिटेड स्टॉक कांगरी विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन लद्दाख। एंड आई हैव बीन द यंगेस्ट पर्सन टू समिट दैट माउंटेन। सो आई हैव बीन टू मैनी लेक्स ऑफ अल्पाइन लेक्स ऑफ कश्मीर विच आर ऑलमोस्ट अप टू 4,000 मीटर्स, लाइक शीशनाग है, चुनसर है, गुरुवंसर है, गंगबल है विच इज़ वन ऑफ द फेमस लेक्स, एंड उसी के साथ नंदकोल एंड ऑल दैट। हमें कब लेके जा रहे हो यार? यार वेरी सोन इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा प्लान है इस बार मैं भी ट्रैक करूंगा, तो मैं भी थोड़ा रन वन कर रहा हूँ। या वी माइट बी गोइंग टुगेदर इंशाल्लाह। आई गो फॉर हाइक्स एवरी संडे ऑलमोस्ट, एंड आई डू सम स्नोबोर्डिंग एज वेल। सो यूजुअली आई एम इन द स्नो एवरी संडे, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। एंड आई डू कीप माई बॉडी एज फिट एज आई कैन। सो आई कीप माई बॉडी स्लिम, आई कैनॉट गेन द एक्स्ट्रा वेट, आई हैव टू कीप माई बॉडी वेट वेरी मेंटेन्ड। यू माइट बी वॉन्टिंग लाइक इट्स 8,800 मीटर, सो वाई डज इट टेक सो लॉन्ग टाइम? बिकॉज इट्स नॉट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी लाइक भाई तू पहाड़ पे चढ़ता है, अच्छा वो 4,000 मीटर का मतलब 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ा। इट्स नॉट लाइक दैट। द एवरेस्ट टेक्स अराउंड 60 or 70 डेज टू क्लाइम एवरेस्ट, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस। यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी एंड योर माइंड फॉर दैट क्लाइमेट, बिकॉज एवरेस्ट is the highest point in the world. When you climb a mountain, it's not a straight path, it's a long process. It's around 50, 60, 70 kilometers. And I will tell you one fun fact about the Everest. If we drop a person on the summit via helicopter, firstly, it's impossible to drive a helicopter there because there's very less oxygen. So there has been few records. One person has done it. He has stood on the top of the world with his helicopter. Now, if we drop a person on the top of the world by a helicopter, he's certainly gonna die because of no oxygen. Actually, so don't even try that. Aur ek cheez add karta hu, you know, you have to carry around 5 oxygen, you know, cylinders with you when you go for, you know, submitting the Everest, right? Yeah, exactly.
और एक चीज है जो मैंने रिसर्च की थी, देयर आर वेरी फ्यू पीपल आउट इन कश्मीर, जिनमें से एक है, उनका नाम क्या था? रफीक मलिक, जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था. एंड यू नो ही विल बी द यंगेस्ट गाय इन कश्मीर यू नो टू डू सो. एंड सेकेंडली अगर हम एक और चीज मैं सोच रहा था, मतलब मैं जा सकता हूँ एवरेस्ट? या श्योर, मैं जा सकता हूँ लेकिन आई एम नॉट ट्रेन्ड. पर जो मेन बात है, जो एक बहुत सब बहुत सारे लोगों को मारती है, वो इसका खर्चा, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. इट्स नॉट अ ईजी थिंग कि आप गए नो अपना गेयर इक्विपमेंट ले लिया और एवरेस्ट पे चढ़ गए. देर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व बिकॉज अब ये कमर्शियल हो गया टोटली. यू नो इफ जो मैंने पढ़ा है, ये मुझे बताएंगे कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, इट कॉस्ट अराउंड यू नो $45,000 टू अराउंड $60,000 to $80,000 if you hire an external agency, a European agency. Yeah, exactly. But you know, if you cannot afford that much of amount, you can go for the Nepalese agencies. Yeah. But they also cost you around $25,000 to around $45,000. Yeah, exactly. So kitna hota hai yaar? It's around in like it can go up to 30 to 80 lakhs easily. 30 to 80 lakhs, 1 crore ke aas pas tum bas apna show pura karne ke liye spend karte ho. Exactly. You know, which is really, you know, it's a huge amount. It's a very huge amount. Iska reason kya hai? Why does this happen? Yeah. Because now the point will be why is it so costly. The point is main sab kuch nahi bata sakta, sara kuch nahi bata sakta, but there are, I will tell you certain things. Only the Everest permit, normal permit, Everest matlab pe jane ka ek permission lana padta hai main Nepalese government se, that costs around $13,000, which is around 7 lakhs. मेरा कैमरा आ जाएगा उसमें. या विच अराउंड 7 lakhs. सो अदर थिंग्स इंक्लूड द शर्पा, यू हैव टू हायर अ शर्पा गाइड विच इज़ नेपाली. शर्पा मीन्स नेपाली लोकल, आई गेस. या नेपाली लोकल गाइड यू हैव टू हायर, दैट्स मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट. एंड यू हैव टू टेक द ऑक्सीजन एंड द फूड यू विल ईट फॉर 60 days, अदर लॉजिस्टिक्स लाइक योर. आपको पता है इनके स्पेशल कुक्स होते हैं इनके बेस कैंप्स पे जहाँ ये जाते हैं, और उनको बहुत ही जबरदस्त खाना मिलता है, जो मीट होता है, जो फिश होता है. There can't be a normal climber, cook, which he has to be a very trained guy. Yeah, he has to be a very trained guy. सोचो यार, सात दिन तुम माउंट एवरेस्ट पे हो आसपास, और क्या खाना मिल रहा है तुम्हें. Exactly. It's beautiful. They should be very trained to the high altitudes. Okay. So now basically is, you know, the idea of making this video, जो मैं पहले भी कहा, it's a shout out video. इन भाई साहब को sponsors मिल रहे हैं, there couple of लोगों से बात चल रही है. Even I don't want to tell the name. So hopefully ye Everest chadenge. And he has also managed, you know, to save the amount jo is hike pe lagta hai. But issue ye hai ki wo apni jeb se de raha hai. Everest to ye bande ko chadna hai, but ye iska kharcha wo apni jeb se ja raha hai. So you know, he is now trying to get the sponsors jo isko thoda burden iska kam kare, to kuch amount isko sponsor kare. So this is basically a shout out video कि अगर कुछ कंपनीज़ है यहाँ पे, कश्मीरी कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, या जो भी कश्मीरी डायस्पोरा है जो लिविंग आउटसाइड है, या अगर वो भी नहीं है तो काफ़ी सारी जो बिजनेसमैन है, जो यू नो अल्लाह ताला ने जिनको बख्शा है, तो इस बंदे को स्पॉन्सर करें. बट यू नो स्पॉन्सर ये नहीं है कि यू आर डूइंग ए चैरिटी, इट्स अ बिग थिंग. वेंस इंशाल्लाह व्हेन ही यू नो कॉन्क्वर्स द एवरेस्ट, ही विल बी अ ग्लोबल न्यूज़. He'll be the youngest Kashmiri to achieve this feat. उसके बाद तो बहुत सारे लोग पीछे पीछे भागेंगे इसके, और यू नो हर चीज़ के लिए कि यू नो देर विल बी लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज, यू नो जो फर्म्स है लाइक यू नो क्या बोलते हैं रेड बुल, यू नो माउंटेन ड्यू, दोज काइंड ऑफ कंपनीज विल कम टू हिम फॉर द स्पॉन्सरशिप. लेकिन जो इनिशियल फेज है, जिसको चैलेंज है, हम चाहते हैं एज ए कश्मीरी कम्युनिटी, यू नो एक कलेक्टिव, थोड़ा हम इसको थोड़ा सपोर्ट कर सके विद स्मॉल, इफ नॉट द स्पॉन्सरशिप बट द स्मॉल डोनेशन. 10 rupee डोनेशन विल हेल्प हिम टू लेसन हिज बर्डन अ बिट. सो आई होप यू गाइज यू नो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, विद द पीपल हु कैन हेल्प हिम आउट, सो दैट दिस यंग बॉय, यू नो दिस कश्मीरी बॉय ब्रिंग्स यू नो दिस प्राउड मोमेंट टू ऑल ऑफ अस. ही विल बी द फर्स्ट यंगेस्ट कश्मीरी. अरे मजाक नहीं है यार, माउंट एवरेस्ट को अचीव करना, इट्स अ ह्यूज थिंग. तो दिस इज़ यू नो हाउ वी वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो. मैं थोड़ा इनके बैंक डिटेल्स एंड एवरीथिंग आई टैग इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, एंड आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस बंदे की थोड़ी मदद करेंगे, बिकॉज यू नो आई वॉन्ट टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस गाय, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू अचीव समथिंग वेरी डिफिकल्ट, एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट अचीवमेंट बाई मेकिंग दिस वीडियो. एट लीस्ट आई कैन डू दिस मच, राइट? इट्स मीन्स अ लॉट.
तो और कोई मैसेज जो यंग यहाँ पे है? या सिंपल मैसेज फॉर एवरीवन आउट देयर हु इज वाचिंग दिस वीडियो, डू व्हाट यू लव, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से, डू व्हाट यू लव, जैसे भाई करता है. या एग्जैक्टली. चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर दिस वीडियो, एंड आई होप यू ऑल टू हेल्प दिस गाय आउट. तो इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स, मे बी 2-3 मंथ्स, हम लोग रिजा को न्यूज़ में जरूर देखेंगे इंशाल्लाह. इन मेक अस प्राउड. थैंक यू.